अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको इंस्टेंट लावा केक बनाना सिखाएंगे और उसके लिए हमें कोई भी मैदे आटे की जरूरत नहीं है और कोई भी स्पेशल चीज की जरूरत नहीं है। बस ये बिस्किट्स, चॉकलेट बिस्किट्स जो होते हैं वो हमने ले लिए हैं यहाँ पे। उसके साथ चॉकलेट्स ले लिए हैं, जो भी मार्केट में इजीली आपको चॉकलेट्स अवेलेबल होती हैं वो ले ली हमने, और मिल्क ले लिया है हमने। अब हम इन बिस्किट्स को क्रश कर लेंगे, एकदम बारीक उसमें कर लेंगे, पाउडर फॉर्म में कर लेंगे। तो इसके लिए हम पहले इसको ग्राइंडर में डाल के बिस्किट्स को, ये बिस्किट्स हमने इसमें डाल लिए हैं ग्राइंडर में, और अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। हमने ये सारे बिस्किट्स को लेके हमने क्रश कर लिया। आप देख सकते हैं इस फॉर्म में, एकदम पाउडर्ड फॉर्म में ये हो गया है। ये हम हाथ से भी तोड़ तोड़ के इसको बारीक जो है वो पाउडर फॉर्म में कर सकते थे, लेकिन ग्राइंडर से जो है वो बहुत अच्छी तरह ये इस फॉर्म में आ जाता है। आप देख सकते हैं ये। यह हमने पहले से एक पैन लेके, पैन में हमने पानी भर दिया था, और ये हम स्टीम के थ्रू पकाएंगे, क्योंकि ओवन ओवन जो है हम यूज नहीं करेंगे। और ओवन के बगैर भी ये एक, बस हमें पैन लेना है, उसके अंदर एक झाली रख देनी है। ये झाली जो है वो टेबल पे, आपको पता ही है, बर्तन रखने के लिए यूज होती है, गर्म बर्तन हम इस पे रखते हैं, वो हमने इसके अंदर रख दी है। और अब इसमें पानी हमने कम्प्लीटली भर दिया है ताकि इसमें स्टीम क्रिएट हो जाए। ये जो हमने बिस्किट्स का जो क्रश पूरा हमने ग्राइंडर से क्रश कर लिया था, उसके अंदर हम हाफ टेबल स्पून जो है वो बेकिंग बेकिंग पाउडर डालेंगे। ये आप देख सकते हैं, हमने ये वाला लिया, आप किसी और कंपनी का भी ले सकते हैं। उसके बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे कंप्लीटली, और एक ग्लास जो है वो मिल्क हम इसमें ऐड कर देंगे। इसमें सारी चीजें ऐसी हैं जो इजीली अवेलेबल हैं, आपको कोई भी बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। बिस्किट्स हर घर में अवेलेबल होते हैं, नहीं है तो हम बाहर से ले सकते हैं जाके, और चॉकलेट्स भी हम ले सकते हैं। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से इसका बैटर तैयार हो रहा है। अच्छा, इसको हम एक ही डायरेक्शन में चलाएंगे, ये देख सकते हैं आप। ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बरकरार रहे। हम इसको इतने अच्छे तरीके से चलाएंगे कि इसमें जो है वो फ्लफीनेस जो है ना वो क्रिएट हो जाए। ये आप देख सकते हैं, हम इसको कंटिन्यूअसली चला रहे हैं और सेम पोजीशन में चला रहे हैं। जब तक ये थिक जो है ना वो बैटर नहीं बन जाता, हम इसको स्टर करते रहेंगे। अब हम जो हमने बैटर तैयार किया है, उसे हमें जो है वो ये एक सांचा है जिसके अंदर हम डालेंगे, और ये केक जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगा, इस गोल फॉर्म में आ जाएगा। तो इसमें हमने इसको ग्रीस कर लिया है अंदर से, हमने इसके अंदर जो है वो पूरा बटर से जो है वो ग्रीस कर लिया, ताकि केक जो है वो इजीली बाहर आ सके इसमें से। अब आप देख सकते हैं, ये हम जो बैटर है वो इसमें डाल रहे हैं सांचे में। अच्छा, ये हम हाफ डालेंगे और थोड़ा सा रहने देंगे, क्योंकि इसके अंदर हमें चॉकलेट्स ऐड करनी है, क्योंकि हम जो है वो लावा केक बना रहे हैं। ये चॉकलेट्स हमने जो ली थी, इसके पीसेस करके हम सेंटर में रख देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये चॉकलेट लावा केक है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इसको प्लेस कर दिया है बीच में, सेंटर एरिया में मैंने चॉकलेट के पीसेस रख दिए हैं।
अब हम जो एक्स्ट्रा जो हमारा बैटर बचा हुआ था रिमेनिंग वो इसके ऊपर डाल देंगे इस तरीके से बिल्कुल, ताकि वो एक लावा की शक्ल जो है ना वो इख्तियार करें। जैसे ही हम उसका पीस करेंगे चॉकलेट का तो उसके अंदर से चॉकलेट निकलेगी। ये हमने इसको कंप्लीटली फिल कर दिया है इसको। सांचा आप किसी भी शेप का ले सकते हैं, ये हमारे पास गोल है तो हमने गोल लिया है। आप किसी भी शेप वाला जो भी आपके पास अवेलेबल हो स्टील का आप ले सकते हैं। इसको थोड़ा टैप करेंगे ताकि इसका जो शेप है वो प्रॉपर हो जाए। अच्छा एक पहले मैंने आपको बताया था कि स्टीम के लिए हमने पानी रखा हुआ है एक पैन में, उसके ऊपर जो ये जो इसका ढक्कन है उसके ऊपर हम एक कपड़े से इस ढक्कन को पूरा कवर कर देंगे ताकि जो भी स्टीम इसके अंदर से रिलीज होती है वो इसके अंदर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए और वो वापस अंदर ना गिरे, क्योंकि वो केक के ऊपर गिरेगा तो वही पानी जो है स्टीम वाला उसके ऊपर गिरेगा। तो ये हम देखें आप इस तरीके से इसके ऊपर ढक्कन के ऊपर कपड़ा बांध दिया है, एक मलमल का जो है ना ये कपड़ा आपको आराम से मिल जाएगा, उसके ऊपर हमने कवर कर दिया है। अब जो सांचा हमने जिसमें सारा बैटर तैयार किया था बिस्किट्स को क्रश करके वो हमने इसके अंदर इस जाली के ऊपर इस तरीके से रख दिया है। आप देख सकते हैं नीचे उसके पानी है जो हमने स्टीम क्रिएट करने के लिए ऑलरेडी इसमें भरा हुआ था। अब इसके ऊपर हम ढक्कन जो है ना जिसके ऊपर हमने कपड़ा बांधा है मलमल का वो इसके ऊपर रख देंगे, और कोई भारी चीज जैसे ये दस्ते का हमारे पास है ये हमने ऊपर रख दिया इसके, ताकि एक वेट ऊपर हो जाए और स्टीम जो है वो बाहर ना आ सके। और हमने जो चूल्हा है वो थोड़ा सा तेज कर दिया, इसका जो फ्लेम है वो बढ़ा दिया है। अब हम जो है वो 10 से 12 मिनट का वेट करेंगे और ये आफ्टर 10 to 15 मिनट्स हम इसको खोलेंगे। अब हम ये ढक्कन जो है वो यहां से इसके ऊपर से हटाएंगे। आप देख सकते हैं ये चॉकलेट लावा केक जो है वो तैयार हो गया है। अब हम जो है इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए, क्योंकि अभी ये बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर में अंदर था तो इसे ठंडा होने के लिए थोड़ा सा रख देंगे, उसके बाद हम इस सांचे में से इस केक को बाहर निकालेंगे। ये आप देख सकते हैं ये हमारा चॉकलेट लावा केक तैयार है, इसके अंदर से चॉकलेट भी निकल रही है। और ये इजीली कोई भी बेक कर सकता है और इसके लिए ना तो ओवन की जरूरत है, आप ये इस पैन में जो है इजीली इसको बना सकते हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट बना है। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है सब कुछ सीखो।